हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृतिका और आप मुझे देख रहे हैं असाका एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। लेकिन उसको लेने से पहले हम लोग एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है कंजंक्शन का वो समझ लेते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने इसके रिलेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप वहां पे भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन कंजंक्शन मतलब क्या हुआ? कंजंक्शन का मतलब हुआ कि जो दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ने में हेल्प करता है, दैट इज कंजंक्शन। और इस कंजंक्शन को जो हेल्प करता है वो एक पर्टिकुलर छोटा सा एक वर्ड होता है, जैसे कि एंड और बट बिकॉज, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स दो क्लॉज दो फ्रेजेस को जोड़ने में हमारी मदद करती है। लेकिन इसको अब हम जो समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास ऑलरेडी इसके लेक्चर्स हैं, तो आप पहले एक बार जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हम लोग समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हम फर्स्ट वाला जो कंजंक्शन है टाइप्स है वो दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम समझेंगे। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब हुआ कि ऑब्वियसली आप ये बात तो समझ ही रहे हो कि कोऑर्डिनेटिंग का जो वर्ड है उसी का एक मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है, कनेक्टेड। कनेक्टेड इन द केस मस्ट कनेक्ट द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसके साथ कनेक्ट रहना है? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैं ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुकी हूँ पहले, फिर भी एक बार समझा देती हूँ कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे, ठीक है। उसमें से फर्स्ट है नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन प्रीपोजिशन, ओके, एडवर्ब्स, देन इंटरजेक्शन कंजंक्शन। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कौन से टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, वो भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाउन नाउन होंगे या एडजेक्टिव एडजेक्टिव होंगे। इस टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता हो, इस टाइप इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट जो हमारा लाइन है, मस्ट कनेक्ट सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ले लेते एग्जाम्पल, ए स्ट्रॉन्ग बट वार्म ब्रीज ब्लू अक्रॉस द डेजर्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग ने एक वर्ड यूज किया है बट, ओके, ये एक वर्ड यूज किया। बट के आजू बाजू क्या है? यहां एक स्ट्रॉन्ग है, यहां वार्म है। स्ट्रॉन्ग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव, जैसे कि आपको पता है, आपने मेरा लेक्चर पहले फॉलो किया होगा तो आपको ये पक्का पता होगा कि स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो एडजेक्टिव में आता है। इट इज ए एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वार्म इज ऑल्सो ए एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा। ठंडी हवा को हम जनरली क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बट वार्म ब्रीज ब्लू अक्रॉस द डेजर्ट, रेगिस्तान पे ब्लू अक्रॉस मतलब हर जगह ठंडी हवा घूम रही है, मतलब दैट इज ब्लू, मतलब वो ब्लू मतलब उड़ रही है, मतलब ठंडी हवा उड़ रही है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसमें हम लोग ने कौन से एडजेक्टिव यूज किए? ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे ये अगर नाउन होती फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिल्कुल नहीं होती। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग बट वार्म, स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो एडजेक्टिव, वार्म इज ऑल्सो एडजेक्टिव, दिस बोथ आर पार्ट्स ऑफ स्पीच विच कनेक्ट्स बट। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा यहां पे पूरा होता है, ठीक है। टू और मोर नाउन हो सकता है, दो हो, दो से ज्यादा हो, इसमें तीसरा भी आ सकता था, ठीक है, इसमें तीसरा भी आ सकता था, ठीक है। तो ये जो दो से ज्यादा, लेकिन होना क्या चाहिए? तीसरा भी अगर आता है तो भी वो होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया? सो टू और मोर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन, ठीक है, ये सारे जब होते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं उसे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। गॉट इट? अब आया फ्रेजेस और
क्लॉजेस ये भी आना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग व्हाट्सएप स्पीच को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी कभी फ्रेजेस और क्लॉजेस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उसके भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सेम होने चाहिए. ओके सो ये भी हमें ध्यान रखना रहेगा. चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकेंड में बताइए. प्लीज प्रिंट और टाइप द इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म. जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें प्रिंट या टाइप करके जो है इंफॉर्मेशन लेके आई. तो ये जो है प्रिंट और टाइप, प्रिंट इज अ वर्ब, टाइप इज ऑल्सो ए वर्ब. अब टाइप इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्ट कर रहा है हमारा, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, और इस टाइप के लेक्चर्स और भी आएंगे. हमारा नेक्स्ट हमारा जो टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो आता है वो उसी लेक्चर के साथ हम वापस आएंगे. टिल देन टेक केयर.